ट्यूबरोज ग्लोबल में आपको स्वागत करता हूँ। आज हम बात करेंगे पोल्ट्री एक्सपोर्ट के बारे में। इंडिया का पोल्ट्री एक्सपोर्ट बढ़ चुका है। 2023 में पोल्ट्री एक्सपोर्ट इंडिया टू अदर कंट्री पोल्ट्री एक्सपोर्ट 1081 करोड़ था, 134 मिलियन डॉलर था। 1081 करोड़ का इन्वेस्ट एक्सपोर्ट किया है इंडिया 2023 में पोल्ट्री प्रोडक्ट में, और ये जो 2022 में कम था 529 करोड़ था 2022 में, 2023 में ये सबसे डबल हो गया और 1081 करोड़ का एक्सपोर्ट किया इंडिया ने। तो पोल्ट्री प्रोडक्ट में क्या क्या होता है? पोल्ट्री प्रोडक्ट में हो गया आपका अंडे हो गया, एग हो गया, एग जितने सारे अंडे, अंडे प्रोडक्ट, एग सेल्स, एग प्रोडक्ट, चिकन हो गया, चिकन में आपका फ्रेश चिकन हो गया, ब्रॉयलर हो गया, आपका होल चिकन हो गया, फ्रोजन चिकन हो गया, फ्रेश चिकन हो गया, डॉग हो गया, डॉग जिसको कहा जाता है बतख, डॉग का मीट हो गया, टर्की हो गया, और जितने सारे जो इटेबल बर्ड्स होते हैं जो बर्ड्स को इंसान खाते हैं उस टाइप का बर्ड्स को, और बर्ड्स का मीट एंड एग को आप एक्सपोर्ट कर सकते हो भारत से। तो इंडिया से ज़्यादा पहला चाइना ग्लोबली एक्सपोर्ट करता था, लेकिन चाइना में जब से ये कोविड आया, कोविड में काफ़ी सारे बीमारी फैला फ्रॉम चाइना, इसलिए बहुत सारे कंट्री चाइना को ट्रस्ट नहीं करते हैं तो इंडिया को ट्रस्ट करते हैं, ऑर्डर देते हैं। तो इंडिया 2023 में ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट किया किसको? ओमान को किया, ओमान, श्रीलंका एंड जापान, तीन कंट्री को एक्सपोर्ट किया एग एंड चिकन प्रोडक्ट, पोल्ट्री प्रोडक्ट। तो आप अगर एक्सपोर्ट करना चाहते हैं पोल्ट्री प्रोडक्ट में ध्यान दीजिए, आप ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट कर सकते हैं। मेरा पहले का वीडियो में आपको बताया था रशिया में अंडे का कमी है, फ्रोजन मीट का, फ्रोजन चिकन का कमी है, आप रशिया को एक्सपोर्ट कर सकते हो। तो अभी बड़ा मार्केट है इंडिया के लिए पोल्ट्री का प्रोडक्ट, पोल्ट्री प्रोडक्ट इम्पोर्ट करने के लिए, एक्सपोर्ट करने के लिए भारत, इंडिया टू अदर कंट्री। तो बड़ा मार्केट हो गया श्रीलंका, श्रीलंका काफ़ी नज़दीक है आपसे, इंडिया से काफ़ी नज़दीक है, तो श्रीलंका को ज़्यादा से ज़्यादा अंडे एक्सपोर्ट कर सकते हो, फ्रोजन चिकन एक्सपोर्ट कर सकते हो। तो दूसरा कंट्री हो गया यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ओमान, जापान, श्रीलंका, मालदीव्स, इंडोनेशिया एंड रशिया। ये जो कंट्री आप ध्यान से ध्यान दीजिए, एक कंट्री का नाम लिख लीजिए। तो इंडिया से आप एक्सपोर्ट कर सकते हो पोल्ट्री प्रोडक्ट टू श्रीलंका, इंडोनेशिया, जापान, मालदीव्स, ओमान, यूएई, रशिया। ये जो कंट्री है ज़्यादा से ज़्यादा एक प्रोडक्ट पोल्ट्री प्रोडक्ट इंडिया से इंपोर्ट कर रहा है, तो इंडिया से आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं प्रोडक्ट को। ऐसे एस्टिमेट किया जा रहा है कि 2024 में ये जो एक्सपोर्ट इंडिया का पोल्ट्री प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट डबल होने वाला है, 2000 करोड़ के ऊपर जाने वाला है, इसलिए ये प्रोडक्ट के ऊपर ध्यान दीजिए, पोल्ट्री प्रोडक्ट अंडे एंड चिकन। तो ज़्यादा से ज़्यादा अंडे और चिकन पोल्ट्री प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करने वाला स्टेट्स है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, ये जो स्टेट्स है ये ज़्यादा से ज़्यादा अंडे और चिकन प्रोडक्ट को प्रोडक्शन कर रहा है। तो अगर आप एक्सपोर्ट करना है आप इजीली महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश, ये चारों स्टेट से सोर्स करके इजीली आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। अगर आपको श्रीलंका, मालदीव्स एक्सपोर्ट करना है तो आप तमिलनाडु से लेकर इजीली तिरुपुर पोर्ट से एक्सपोर्ट कर सकते हो, चेन्नई पोर्ट से एक्सपोर्ट कर सकते हो। अगर आपको वेस्टर्न कंट्री में जो कंट्री बता दिया, ओमान हो गया, यूएई हो गया और रशिया, ये तीन कंट्री को एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो महाराष्ट्र से सोर्स करके पोल्ट्री प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर सकते हो। अगर आपको ईस्टर्न पार्ट में जो है कंट्रीज इंडोनेशिया एंड जापान, ये दो देश को एक्सपोर्ट करना है पोल्ट्री प्रोडक्ट, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका एंड तमिलनाडु से सोर्स करके पोल्ट्री प्रोडक्ट को पैक करके ब्रांड करके एक्सपोर्ट कर सकते हो। पोल्ट्री प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट कैसे करोगे, हाउ टू एक्सपोर्ट एग्स एंड चिकन, मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ, आप मेरा पुराना वीडियो देखोगे तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दिया हूँ। तो ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी के लिए आपको लाइसेंस रिक्वायरमेंट्स है, जो आपका आईसी कोड लगेगा, आईसी कोड लाइसेंस, एक्सपोर्ट इंपोर्ट कोड लगेगा, आपका प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एमएसएमई कंपनी, आपका जीएसटी लगेगा, अपेडा से लाइसेंस लगेगा, पाइथो सैनिटरी लाइसेंस लगेगा, तो बहुत सारे लाइसेंस लगेगा एक्सपोर्ट करने के लिए, ये जो पोल्ट्री प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करने के लिए। और एक्सपोर्ट ये रेडी होने के बाद आप आपका सब कुछ लाइसेंस रेडी होने के बाद इंडिया का जो इम्पोर्टेंट साइट है मैं आपको दिखा रहा हूँ, इंडियामार्ट.com, ट्रेड इंडिया.com और exportersindia.com और वर्ल्ड का जो साइट है
आप kalibaba.com वगैरह इन्हीं साइट में आपको रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करके आपको कंपनी को लिस्ट करना है, पोल्ट्री प्रोडक्ट को डिस्प्ले करना है, लिस्ट करना है। उसके बाद इम्पोर्टेंट साइट दिखा रहा हूँ इंडिया का, ये देख लीजिए आपका जो पोल्ट्री फेडरेशन ऑफ इंडिया का साइट है, poultryfederation.org है, pashudhanprahari.com है और एग्रीकल्चर का साइट है aicrp.icar.gov.in। ये साइट है poultryindia.co.in है और apeda.gov.in है। ये जितने सारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का साइट दिखा दिया, इन्हीं साइट में रजिस्ट्रेशन करना है, आपका कंपनी को लिस्ट करना है। और अगर आपके पास बजट है तो इन्हीं साइट में आपको पे करके आपको एज ए मेंबर्स ज्वाइन करना है। एज ए मेंबर ज्वाइन करोगे तो इंडिया का जितने साइट सारे साइट दिखा दिया, इंडिया का जैसे पोल्ट्री एसोसिएशन ऑफ इंडिया जितने सारे साइट दिखा दिया, आपको कुछ पेमेंट करना है। पेमेंट करके इन्हीं साइट में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इन्हीं साइट में आपका कंपनी को लिस्ट करना है। लिस्ट करोगे तो इन्हीं साइट को पोल्ट्री इंपोर्ट करने के लिए वर्ल्ड वाइड जितने सारे इंपोर्टर्स हैं इन्हीं साइट में आते हैं, चेक करते हैं। चेक करने के बाद अगर आपका कंपनी लिस्टेड है तो आपको डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करेंगे, ठीक है। तो आपका पोल्ट्री एसोसिएशन ऑफ इंडिया का दिखा दिया, वो साइट है, अपेडा है, बहुत सारे साइट दिखा दिया, उसमें आपको रजिस्ट्रेशन करना है, आपका कंपनी को लिस्ट करना है। ऑल्सो इंडिया का जो इंपॉर्टेंट ट्रेड पोर्टल्स बता दिया, tradeindia.com हो गया, indiamart.com हो गया, exportersindia.com हो गया, इसमें रजिस्टर करके आपका कंपनी को लिस्ट करना है। अंडे एंड चिकन का प्रोडक्ट को लिस्ट करना है, फोटो वगैरह डिस्प्ले करना है, आपका कंपनी को डिटेल्स ऐड करना है। ऑल्सो alibaba.com जैसा ग्लोबल साइट दिखा दिया, उनमें से लिस्ट करके आपका कंपनी को लिस्ट करना है, प्रोडक्ट को लिस्ट करना है। लिस्ट करने के बाद ग्लोबली वर्ल्ड वाइड दुनिया में जितने सारे कंपनीज है वो जब इंपोर्ट करना चाहेंगे पोल्ट्री प्रोडक्ट को, तो इन्हीं साइट में आकर सर्च करते हैं। सर्च करने के बाद उनको आपका कंपनी दिखाई देगा, ठीक है, दिखाई देगा तो आपको कॉन्टैक्ट कर सकता है। तो ये हो गया, फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया। आपको ऑनलाइन मार्केटिंग करने के लिए गूगल सर्च, गूगल एड और जैसा कि आपका मालदीव, श्रीलंका, इंडोनेशिया, जापान, ओमान एंड यूएई, ए कंट्री में मार्केटिंग करने के लिए ऑनलाइन में, तो आपको गूगल सर्च, गूगल एड में पेड मार्केटिंग करके पोल्ट्री प्रोडक्ट को आप इन्हीं कंट्री में टारगेट करोगे तो इन्हीं कंट्री में जो बायर्स है, इंपोर्टर्स है, उनको आपका कंपनी दिखाई देगा, फिर आपको कॉन्टैक्ट करेंगे। उसके बाद लिंक्डइन, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम में पेड मार्केटिंग करिए, आपका प्रोडक्ट को इन्हीं कंट्री में मार्केटिंग करके यूएई, ओमान, मालदीव्स, देन आपका जो श्रीलंका, इंडोनेशिया, जापान में टारगेट करोगे तो इन्हीं कंट्री में बायर्स को, इंपोर्टर्स को आपका पोल्ट्री प्रोडक्ट का डिस्प्ले दिखाई देगा, फोटोज दिखाई देगा, एडवर्टाइजमेंट दिखाई देगा, तो आपको कॉन्टैक्ट करेंगे। रशियन मार्केट, रशिया एंड रशियन स्पीकिंग कंट्री से एक्सपोर्ट ऑर्डर पाने के लिए yandex.ru, vk.ru में पेड मार्केटिंग करोगे तो पोल्ट्री प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट रशिया एंड रशियन स्पीकिंग में कंट्री में दिखाई देगा, फिर वहाँ का बायर्स आपको कॉन्टैक्ट करेंगे। तो ऑनलाइन, ऑफलाइन मार्केटिंग करिए, खुद विजिट कर सकते हैं रशिया, रशियन स्पीकिंग कंट्री, जापान, इंडोनेशिया, मालदीव, श्रीलंका, ओमान, यूएई में आप जाकर खुद मार्केटिंग कर सकते हो, या इन्हीं कंट्री में आप जाकर ट्रेड जो एक्सपो होता है, एक्सपो में पार्टिसिपेट करोगे तो आप वहाँ पर, वहाँ से आपको एक्सपोर्ट ऑर्डर मिलेगा पोल्ट्री प्रोडक्ट का। तो पोल्ट्री प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करने के लिए आप ध्यान दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट बढ़ने वाला है, क्योंकि ग्लोबली ग्लोबल बायर्स चाइना को ट्रस्ट नहीं करते हैं, चाइना से बीमारी फैलता है करके डरते हैं, इंडिया को ट्रस्ट करते हैं। तो आप ध्यान दीजिए, 2022 में 529 करोड़ का बिजनेस हुआ था, एक्सपोर्ट हुआ था भारत से, 2023 में 1081 करोड़ बढ़ गया, 2024 में ये डबल होने वाला है, 2000 करोड़ का बिजनेस होने वाला है। तो ये प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करने के लिए जो भी रिक्वायर्ड लाइसेंस रेडी करके ऑनलाइन ऑफलाइन मार्केटिंग करोगे तो पोल्ट्री प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट ऑर्डर आपको मिलेगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।